नमस्कार कैंसर, कैंसर यानी कर्क राशि, मैं सुरेश कुमार ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ये 15 नवंबर से 21 नवंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी और सन साइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि जो कैंसर हैं और उनके पर्सन हैं वो एक दूसरे के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखने वाले हैं कि आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं और लास्ट में इस रिश्ते की का जो है आउटकम क्या निकल कर आता है या आउटकम क्या रहेगा, वो सब हम देखेंगे। तो चलिए कैंसर, सबसे पहले देख लेते हैं कि जो आपके पर्सन हैं वो आपके बारे में क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन हैं वो इस रिश्ते को लेकर महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं कि इस रिश्ते में अभी फिलहाल के लिए माइंड गेम चल रही है, मैनिपुलेशन चल रही है। हालांकि वो इस रिश्ते में क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, खुलकर बातें करना चाहते हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में क्लैरिटी आ जाती, क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, चाहे उसमें कैंसर को दुख हो या उनके पर्सन को दुख हो, किसी को भी दुख तकलीफ हो, लेकिन क्लैरिटी आ जाती, क्लियर कट कम्युनिकेशन आ जाता है और इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाता है, तो आगे जो सिचुएशन है, जो इसका फ्यूचर रहेगा वो काफ़ी ब्राइट रहेगा, सक्सेसफुल रहेगा। तो इसलिए वो क्योंकि लेकिन अभी इस रिश्ते में माइंड गेम मैनिपुलेशन चल रही है, तो इस वजह से उनकी ईगो हर्ट हो रही है और वो महसूस कर रहे हैं कि अगर कैंसर उनके साथ कोई भी माइंड गेम खेल रहे हैं तो वो माइंड गेम खेलना बंद कर दें, क्योंकि अगर वो उनकी ईगो जीत भी जाएगी तो वो इंसान हार सकते हैं। और अगर उनके साथ कोई दूसरा पर्सन माइंड गेम खेल रहा है, उनकी भावनाओं के साथ खेल रहा है, उनकी पीठ पीछे कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, तो वो उसको पहचाने और उस रिश्ते को ख़त्म करें या फिर उस इंसान से किनारा करें। और वो महसूस कर रहे हैं कि क्योंकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही प्यार है, प्रेम है, एक दूसरे की भावनाओं को वो महसूस कर रहे हैं कि वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, काफ़ी अट्रैक्शन आकर्षण है। और महसूस कर रहे हैं कि जो भी कैंसर जिस काम को भी अंजाम देते हैं वो काम बहुत अच्छे से वो निपटाते हैं, काफ़ी वो अपने मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, अपने धुन में रहते हैं। तो इस रिश्ते को एक नया मोड़, नया अंजाम वो देने के बारे में सोच रहे हैं, क्लैरिटी, क्लियर कट कम्युनिकेशन इस रिश्ते में वो महसूस करते हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि अगर ये जो इस रिश्ते में जो भी माइंड गेम मैनिपुलेशन चल रही है, जब ये उनकी ईगो हर्ट होनी बंद हो जाएगी, जब ये सिचुएशन सही होगी, तो वो इस रिश्ते में कम्युनिकेशन करेंगे, क्लैरिटी लाएंगे और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचेंगे। तो देख लेते वो आपसे क्या चाहते हैं, कैंसर जो आपके पर्सन हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। कैंसर के पर्सन कैंसर से क्या चाहते हैं, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट। तो कैंसर जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि सबसे पहले आप इस जो भी इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा रहा है, एंजाइटी स्ट्रेस रहा है, जिसकी वजह से रिश्ता भारी भरकम बोझिल बनता जा रहा है, यहाँ तक कि हाथापाई भी इस रिश्ते में हुई है, तो वो चाहते हैं कि इसे इन चीज़ों को ख़त्म करें। बहुत हो चुका है इस एंजाइटी स्ट्रेस से, इस लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट वाद विवाद से को ख़त्म करें, इन चीज़ों को ख़त्म करें और इस रिश्ते में जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो नहीं बन पा रही, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, वो इक्वल गिव एंड टेक एनर्जी लेकर आए। क्योंकि दोनों तरफ से ही अगर इस रिश्ते में प्यार प्रेम रहेगा, बैलेंस रहेगा, स्टेबिलिटी रहेगी, दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, दोनों एक दूसरे से मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे और इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझेंगे कि इस रिश्ते में ये रिश्ता उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है। रिश्ते ऐसे ही नहीं बनते, पेड़ों पर नहीं लगते, ये भी कह सकते हैं।
तो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए उन्हें इस रिश्ते में वापस आने का खुद ही मार्ग बनाना पड़ेगा। जो रिश्ता वो जो चीज़ें वो दूसरों को दिखाते हैं वो अपने ऊपर फॉलो करें, अपने पैरों पर खड़े हों, अपनी जिम्मेदारियों को समझें और थोड़ा सा स्पेस लें, थोड़ा सा इस रिश्ते को समय दें, वक्त दें, हीलिंग मेडिटेशन करें, क्योंकि अगर वो हील करेंगे अपने आप को, मेडिटेशन करेंगे, यूनिवर्स में आस्था लगाएंगे, तो उनके अंदर से जो है एक ज्योति प्रज्वलित होगी जो उन्हें इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाने के लिए, बैलेंस लाने के लिए मदद करेगी। तो वो चाहते हैं कि थोड़ा सा दूरियां बनाएं अभी के लिए, फिलहाल के लिए, मतलब लोगों से किनारा करें और यूनिवर्स में आस्था लगाएं, उन पर भरोसा करते हुए, अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इस रिश्ते में आगे बढ़ने का मार्ग बनाएं और इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करें। और इसमें दोनों तरफ से ही इक्वलिटी होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, तभी रिश्ते को आगे बढ़ाने का मज़ा आता है। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं। अब देख लेते हैं कैंसर कि आप अपने पर्सन के बारे में क्या फील कर रहे हैं, आपकी अपने पर्सन को लेकर फीलिंग्स क्या हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स। तो कैंसर जो आप अभी अपने पर्सन को लेकर काफ़ी दुविधा में हैं, आप परेशान हैं, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आपको क्या करना है। फिलहाल के लिए आप जगलिंग फेज में हैं, आपको एक तरफ आप महसूस कर रहे हैं कि आप को इस जो भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम आई है, जो भी परेशानी आई है, काफ़ी एंजाइटी स्ट्रेस में शायद आप अब भी चल रहे हैं, तो आप महसूस कर रहे हैं कि सबसे पहले उन चीज़ों से मूव ऑन कर देना चाहिए, ऐसी जगह पर जाना चाहिए जहाँ पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले, तो एक तरफ तो, और इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सके। तो आप एक एक तरफा तो सोच रहे हैं कि मतलब इस रिश्ते इन प्रॉब्लम को मूव ऑन करते हुए, उन सिचुएशन को छोड़ते हुए, इस रिश्ते में दोबारा से एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए, और दूसरी तरफ आप महसूस कर रहे हैं कि सबसे पहले अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए, फ्रीडम और आज़ादी के साथ रहकर अपना नेम, अपना फेम, अपना बिजनेस, अपना जॉब, अपना करियर, अपना पैसा, अपने स्टेबिलिटी पर ध्यान दें, अपने लुक्स ब्यूटी पर ध्यान दें, क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर आप अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, जो पैसे की प्रॉब्लम इस रिश्ते में रही है, तो हो सकता है कि पैसे को लेकर प्रॉब्लम रही हो, तो जो भी प्रॉब्लम रही है तो उसमें बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी। तो आप अपने ऊपर फोकस करने के बारे में सोच रहे हैं, पहले फ्रीडम और आज़ादी के साथ अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए सेल्फ डिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप महसूस कर रहे हैं कि उन चीज़ों से मूव ऑन कर देते हैं जो चीज़ें इस रिश्ते में प्रॉब्लम कर रही थी, और ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पीस और सुकून मिलता है और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देते हैं। तो पहले आपको कोई जगलिंग फेज से निकलना चाहिए और तभी इसमें डिसीजन लेना चाहिए कि आपको क्या करना है। देख लेते हैं कि आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। कैंसर, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड सिक्स ऑफ कप्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते में क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, जो भी, क्योंकि अगर आप क्लैरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगी इस रिश्ते में, खुलकर एक दूसरे से बातें होंगी, तो जो भी प्रॉब्लम इस रिश्ते में रही है वो शॉर्ट आउट होंगी, वो चीज़ें ख़त्म होंगी और दोबारा से ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। दोबारा तो आप इसमें क्लैरिटी लाने के लिए, क्लियर कट कम्युनिकेशन के लिए, खुल कर बातें करने के लिए एक दूसरे से आप चाहते हैं कि वो अपने इसमें परिवार का, फैमिली का सपोर्ट लें, उनकी मदद लें, या फिर बड़े बुजुर्गों का सलाम, उनसे सलाह मशवरा करें। अपने उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं, कोई नॉन पर्सन हो सकते हैं, उनसे सलाह मशवरा करते हुए इस रिश्ते में पास्ट वाली हिस्ट्री दोहराएं, जो
पुराने पर्सन होते थे जो जिनके साथ वो ये रिश्ता काफ़ी अच्छा लगता था। रोमांस के दिन, खुशियों के दिन उनके साथ घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, या फिर एक फैमिली एक परिवार की तरह एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, प्यार से प्रेम से एक दूसरे को, अगर एक भी को माफ़ कर देते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और प्यार से प्रेम से एक दूसरे के साथ फिर से एक बिगिनिंग एक शुरुआत करते हैं, तो ये रिश्ता फिर से खुशियों में तब्दील हो सकता है। तो आप रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, फिर से एक फैमिली एक परिवार की तरह एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इस रिश्ते को एक बनाना चाहते हैं। तो आप चाहते हैं कि आपके पर्सन इसमें आगे बढ़े, परिवार फैमिली का सपोर्ट लें और घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशहाली होना, वो सब इस रिश्ते में वापस लेकर आए। तो इसका आउटकम देख लेते हैं। इसका आउटकम क्या रहेगा? कैंसर पर्सन के रहे के लिए नाइट ऑफ कप्स, द स्टार एंड द मेडिसिन। तो इसका जो आउटकम है वो बता रहा है कि अगर सबसे पहले आप जो भी मैं जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिस जो भी आपकी दिली तमन्ना है, अगर एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए एक आप आगे बढ़ते हैं, चाहे सामने वाला आपको माफ़ भी ना करता हो, कोई एक जना अगर माफ़ भी ना करे, तो दिल से उसे माफ़ करते हुए एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, क्योंकि आपके पास सभी सोर्सेज हो सकते हैं, तो अगर इसमें आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा अपने आप को समय देंगे, वक्त देंगे, क्योंकि ये रिश्ता काफ़ी नेगेटिव फेज से होकर गुजरा है, कुछ भी इस रिश्ते में नहीं बचा है, तो स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, हील करेंगे अपने आप को, मेडिटेशन करेंगे और उसके बाद एक बिगनिंग एक शुरुआत करेंगे, तो ये रिश्ता गोल्डन स्टार हो सकता है। आप इसका आउटकम बता रहा है कि आप में से कोई भी एक जना, चाहे वो कैंसर हो सकता है या कैंसर का पर्सन हो सकता है, कि गुड न्यूज़ गुड मैसेज लेकर जाएंगे, एक बिगनिंग एक शुरुआत करेंगे, तो समय के साथ जो हीलिंग होगी, जो मेडिटेशन होगी, वो इस रिश्ते को एक गोल्डन स्टार बनाने में कामयाब ये देगा। जो इसका आउटकम है वो काफ़ी ब्राइट होगा, काफ़ी गोल्डन स्टार होगा, सक्सेसफुल होगा, नेम और फेम होगा। तो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए एक बिगनिंग एक जो शुरुआत हो रही है इस रिश्ते में, जो या फिर आप करते हैं, तो ये रिश्ता आगे जाकर एक धीरे धीरे करके, थोड़ा सा समय वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन यूनिवर्स की तरफ से गुड मैसेज मिलेगा, गुड न्यूज़ मिलेगा कि ये रिश्ता गोल्डन स्टार होने जा रहा है, ये रिश्ता काफ़ी खुशियों में तब्दील हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगता है। तो कल मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, उसके लिए सो सॉरी, क्योंकि दिवाली पर बहुत सारे काम थे, तो अभी ये सुबह सुबह मैं वीडियो बना के डाल रही हूँ। आई होप आप इसको ज़रूर देखेंगे और पसंद करेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।